हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अभिदे के एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, क्या आप जानना चाहते हैं फेसबुक में प्रोफाइल एंड टैगिंग क्या होता है? क्या आप फेसबुक में प्रोफाइल एंड टैगिंग की सेटिंग्स करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पर आने के लिए सबसे पहले आप अपने फेसबुक में आ जाएं इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ पर आप प्रोफाइल के ऑप्शन पर क्लिक कर लें। अब इसके बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करके चले जाना है। आप यहाँ पर देख पाएंगे सेटिंग्स एंड प्राइवेसी, और उसके नीचे आपको यहाँ पर सेटिंग्स का ऑप्शन दिख जाता है। सेटिंग्स में आने के बाद आप स्क्रॉल कर लें नीचे की तरफ, और यहां आप देख सकते हैं प्रोफाइल एंड टैगिंग, इस पर क्लिक कर लें। तो मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा ये क्या होता है। तो सबसे पहले यहां पर लिखा हुआ है हु कैन पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, यानी देखिए लोग आपकी प्रोफाइल में आपको टैग कर देते हैं। आप जब अपनी प्रोफाइल देखते हैं तो वहां पर आपको अलग अलग तरीके के फोटो पोस्ट आते हैं, तो कौन पोस्ट कर सकता है आपकी प्रोफाइल में? तो यहां पर सेट है फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड्स आपके प्रोफाइल में पोस्ट कर सकते हैं। बट आप चाहते हैं कि आपकी प्रोफाइल एकदम साफ सुथरी रहे, ओनली आपकी फोटो दिखाई दे, तो आप ओनली मी रख सकते हैं। अब यहां पर हु कैन सी व्हाट अदर पोस्ट ऑन योर प्रोफाइल, तो यहां पर अगर आपका कोई दोस्त आपकी प्रोफाइल पे कुछ भी पोस्ट कर देता है तो वो कौन देख सकता है? यहां पर फ्रेंड्स मैंने रखा है, आप फ्रेंड्स या फिर ओनली मी रख सकते हैं, या फिर आप एवरीवन भी रख सकते हैं, यानी हर कोई देख सकता है, चाहे वो आपका फ्रेंड हो या ना हो, वो भी देख सकता है कि आपकी प्रोफाइल में क्या है, किसकी फोटो किसने पोस्ट किया है, किसने टैग किया है, ठीक है। इसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आता है अलाउ अदर्स टू शेयर योर पोस्ट टू देयर स्टोरी। अगर कोई चाहता है कि आपके पोस्ट को वो आप अपनी स्टोरी में अपलोड कर पाए, तो क्या आप उसे अपलोड करने देना चाहते हैं या फिर नहीं, तो आप यहां से उसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अब इसके बाद यहां पर एक ऑप्शन आता है टैगिंग का, तो हु कैन सी पोस्ट दैट यू टैग इन योर प्रोफाइल। अगर आप किसी फोटो में टैग्ड हैं, यानी किसी आपके दोस्त ने कोई फोटो अपलोड की और उसमें आपको भी उसने टैग कर दिया, तो कौन कौन देख सकता है? तो यहां पर हर कोई देख सकता है, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स देख सकते हैं, या सिर्फ फ्रेंड्स देख सकते हैं, या फ्रेंड एक्सेप्ट देख सकते हैं, या आप किसी कुछ फ्रेंड को चुन सकते हैं कि इतने लोग ही देख सके, या फिर ओनली आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आप यहाँ पर फ्रेंड्स रख सकते हैं, या अगर आप चाहें तो एवरीवन भी रख सकते हैं, बट अगर आप गर्ल्स हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप स्पेसिफिक फ्रेंड्स को ही यहाँ पर रखें, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपको समझने में, व्हेन यू आर टैग्ड इन अ पोस्ट हु डू यू वांट टू ऐड टू द ऑडियंस ऑफ द पोस्ट इफ दे कांट ऑलरेडी सीन इट। देखिए अगर आप किसी पोस्ट में टैग है, यानी आपका कोई दोस्त है और उसने कोई फोटो खींचा और अपने अपने फेसबुक में अपलोड कर दिया है, और साथ ही में आपको भी टैग कर दिया है, और आपने अभी तक उस फोटो को देखा भी नहीं है, आपने नहीं देखा है कि उसने पोस्ट किया है, आपके देखने से पहले क्या आपके दोस्त लोग उस फोटो को देख सकते हैं या फिर नहीं? अगर नहीं देख सकते तो यहाँ पर ओनली मी रखें, और चाहते हैं कि देख सकते हैं तो आप फ्रेंड्स पे रख सकते हैं। बेसिकली ये सब फोटो उन्हें पोस्ट में या फिर सर्च में दिखाई देगी। उम्मीद करता हूँ आप इस बात को समझे होंगे, नहीं समझे तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं अच्छे से समझा दूंगा। अब यहाँ पर एक ऑप्शन आता है रिव्यूइंग का, तो रिव्यू टैग्स दैट पीपल ऐड टू योर पोस्ट बिफोर द टैग अपीयर ऑन फेसबुक। तो अगर आपका कोई दोस्त आपको किसी फोटो में किसी पोस्ट में टैग करता है, तो आप उसे एक बार रिव्यू कर सकते हैं, उसके बाद ही आप उसे अप्रूव कर सकते हैं। बेसिकली आपको रिव्यू वहां पर ऑप्शन आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगी कि इस फ्रेंड ने आपको टैग किया है,
कि आप इसे अलाउ करना चाहते हैं पोस्ट करने के लिए या फिर नहीं। तो मैंने यहां पर ऑन रखा है कि मैं अलाउ करना चाहता हूं। रिव्यू व्हाट अदर पीपल सीन ऑन योर प्रोफाइल। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई आपकी प्रोफाइल में आता है तो उसे आपकी प्रोफाइल किस तरीके से दिखती है। तो मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से दिखती है जब कोई बंदा मेरी प्रोफाइल को देखने आता है। इसके बाद नीचे आता है रिव्यू पोस्ट दैट यू आर टैग्ड इन बिफोर द पोस्ट अपीयर ऑन योर प्रोफाइल। तो बिल्कुल ये इससे मिलता जुलता है। बेसिकली अगर आपको कोई टैग करता है तो टैग करने से पहले आप चाहते हैं कि आप उसे एक बार रिव्यू कर ले, उसमें कुछ गलत तो नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि बिना आपकी मर्जी के वो ऐड ना हो तो यहाँ पर आप इसे ऑन कर दें। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।